अग्नि देवता चुरू लेकर आए, और जब चुरू लेकर आए तब चुरू लाकर जो है महाराज को दिया, और महाराज ने ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, पत्नियों को दिया। किसको कैसे दिया ये आप जानिए। चुरू में क्या था, चुरू में क्या था, चुरू में था खीर, आधा भाग कौशल्या को दिया, जो दिया उसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से दो भाग किए। जब आधे में से दो भाग किए तो सुमित्रा और केकई को दिया, सुमित्रा और केकई को दिया। तो हुआ क्या, सुमित्रा के हाथ में से एक पक्षी पकड़ कर लेके चला गया, दबा कर उड़ गया। सुमित्रा को टेंशन हो गई, जब टेंशन हो गई तो सुमित्रा दौड़ी दौड़ी गई कौशल्या के पास। कौशल्या ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं तुझे अपने में से दूंगी ना। तो कौशल्या ने अपने में से एक भाग दिया सुमित्रा को, एक भाग सुमित्रा को दिया ताकि टेंशन मत ले, चिंता मत कर, एक भाग दिया। आज समय धीरे धीरे जब बीता तो चार बालक प्रकट हुए। आज भगवान का प्रकट दिवस है, भगवान श्री हरि का ही नहीं, ठाकुर जी का ही नहीं, भगवान राम और कृष्ण का, दोनों का। तो राम जी का जो प्रकट है वो आपको संक्षेप में, और भगवान कृष्ण का विस्तार से। आइए प्रकट से आगे बढ़े, उससे पहले एक भजन कर लें। करुणा रुद्र निरौआ, करुणा निधान रौआ, जगत के दाता है करुणा निधान रौआ, जगत के दाता है करुणा निधान रौआ, जगत के दाता है जगत के दाता है। दोनों हाथ उठा के सेवा करते हैं, भगत दी दूरी घर आइलो, भगत दी दूरी घर, भगत दी दूरी घर गईलो, प्रेम से सगवाई खैलो, प्रेम से सगवाई खैलो, भगत भी दुर्घर गईलो, भक्त भी दुर्घर गईलो, प्रेम से सगवाई खैलो, छोड़ पकवान रौआ, जगत के दाता है, छोड़ पकवान रौआ, छोड़ पकवान रौआ, जगत के दाता है।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। केवट के चरण धोली, केवट से चरण धोली, जटायु जी हृदय लगौनी, जटायु जी हृदय लगौनी, केवट से चरण धोली, जटायु जी हृदय लगौनी। गिद्धपति गिद्धपति जगत के दाता भगवान रउआ, मैया सबरी घर गई लो, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई लो, प्रेम से गुरवई कई लो, प्रेम से गुरवई कई लो, मैया सबरी घर गई लो, प्रेम से गुरवई कई लो, करके पखान रउआ जगत के दाता है, करके पखान रउआ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निदान 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 रउआ जगत के दाता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का प्रकट हो गया, तो भगवान का प्रकट हुआ, चारों भाई प्रकट हुए। भगवान का प्रकट क्यों, किस लिए होता है, किन के लिए होता है, भगवान धरती पर क्यों आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हीन लीन मनुज अवतार, विप्र धेनु सुर संत हीन, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, कृपा निधि हरि सज्जन पीरा, कृपा निधि हरि सज्जन पीरा। अब विप्र धेनु सुर संत हीन लीन मनुज अवतार,
जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। आज धीरे धीरे समय बीता, भगवान श्री राम तीनों भाइयों के साथ ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चांद, जैसे शुक्ल पक्ष का चांद धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके अंदर एक खूबी थी, भगवान के अंदर क्या खूबी थी कि भगवान प्रातः काल जगकर, जो कि हमारे और आपके अंदर नहीं है, क्या खूबी नहीं है, भगवान सवेरे सवेरे जगते थे, जब भी जगते थे, सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे जब जगते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावत माता, मात पिता गुरु नावत, मात पिता गुरु नावत माता। माता पिता अपने से बड़े गुरुजनों को दंडवत प्रणाम किया करते थे और आशीर्वाद लेते थे। हम और आप दंडवत तो गया हाड़ में, भाड़ में, प्रणाम गया पता नहीं कहाँ। सवेरे सवेरे जैसी बिस्तर पर आंख खुली, जैसे ही बिस्तर पर आंख खुली, सो चिल्लाने लगते चा 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 चा। ट्रेन में सफर किया है ना, जैसे स्टेशन पास में आता है तो आ जाते हैं ना, चा चा चा, पता नहीं चाय में कौन सी चाद घुसी है, हैं? पहले लोग दूध दही घी ये सब मांगा करते थे, अब सवेरा ठीक से हुआ भी नहीं, आंखें खुली भी नहीं और जबरदस्ती मिल 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 कर रहे हैं, जबरदस्ती मसलने में लगे हुए और वहीं से चा 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 चा। हे भगवान, आज के पति देवता, आज के पति देवता जो कि बाहर ऐसा लगता है, बोलूं ना बोलूं तो बाद में पकड़ लोगे मुझे रास्ते, चलो नहीं बोलता। कुल मिला के आंख खुली तो चा चा चा, अब बेचारे टॉपिक चेंज कर देता हूँ। पति देवता भी कहते लोग पत्नी को खुश रखना है भैया, पहले के समय सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में घर की स्त्रियां जगा करती थी सबसे पहले, पुरुषों से पहले, और आज सिस्टम पूरा सब सबकी नहीं बता रहा हूं, कुछ लोग अब बाद में मुझे पकड़ लो, नहीं तुम ज्यादा बोलते हो, अब बताते तुम्हें। अब क्या है, अब पत्नी महारानी चुपचाप से सो रही है, पति महाराज 3:30 बजे जग गए, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कंप्लीट है, चाय वाय बना के ले आए, लेके आ गई है, अब कहते जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से चाय पी लो। तो मैं कब कह रहा हूं सारे होते हैं, मैं भी तो आधे ही बता रहा हूं, आधे होते हैं, पूरे नहीं बता रहा हूं मैं। अब आधे होते जिनके होते उनके होते, अब कुछ समझ लो इसी से, जिनके होते उनके होते, जिनके होते उनकी बहुत बड़ी अच्छी किस्मत है, और जिनके नहीं होते वो भगवान से हमेशा, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं और पति से बार बार झगड़ा करेंगे, अरे तेरे से अच्छा तो देख सुबह सुबह जग जाता है, देख सुबह सुबह जग जाता है, जब तक उसकी आंख खुलती सारा घर का काम कर लेता है।
और काम धाम करके पत्नी की रोटी वोटी खिला के ऑफिस भी चला जाता है। नहीं होता ऐसा 50%। अब जिसके होता है उसमें क्या, अब सबके थोड़े नहीं होते हैं। जिनके होता है उनकी किस्मत है, जिनका नहीं होता भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा भी हो जाए। और क्या, पर कुछ कुछ माताएं कहती हैं हमसे आके कि महाराज जी हमारी सास हमसे बहुत लड़ती है। हम कहते तुम कुछ करते नहीं सुबेरे सुबेरे जग के, अब बताते करना क्या तुम्हें, ध्यान से सुनो। प्रातः काल जगकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावत माथा। और आप लोग, अच्छा पांव छुबाना किस किस को अच्छा लगता, अब हाथ खड़ा करो। है? क्या जमाना आ गया, सच बोलने भी सांसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। एक बात बताओ, अभी किसी ने नहीं किया ना, अगर कोई चार व्यक्ति आ जाए सबके पांव छुए और चार बहनों को छोड़ दे, अब फिर देखो उनका मुंह, फिर उनका चेहरा देखो, फिर देखने लायक चेहरा होगा। पांडाल से बाहर निकलते गया, देखो सबके छू लिए, सबके छुए, बस हमारी चार के नहीं छुए। अब वो चार क्या करेंगे, चार वो 84 तुरंत बना लेंगे। पांव छुबाना सबको अच्छा लगता है, हमें पता लग गया है, पर छूना 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 किसी को नहीं अच्छा अच्छा लगता है। आजकल तो बोलना पड़ता है, अच्छा घर पे दादाजी आ गए हैं। एक बार की बात है, एक घर में गांव से दादाजी आ गए। अब दादाजी होंगे तो सोचो, कल्पना करो, धोती कुर्ता पहन रखा होगा और थोड़ा सा मटेला वटेला सा होगा और बाल थोड़े से वैसे होंगे। अब इतनी देर में उस बहन का पुत्र निकल के आया, बार बार कहना पड़ रहा है उसको, वो इशारा कर रही है दादाजी हैं दादाजी, छू लेना। अब वो इशारा करी, छू लेना। अब उसने कभी किसी के को प्रणाम किया हो तब छुएगा ना। अब बार बार माँ कह रही दादाजी हैं, अच्छा दादाजी हैं, अब बार बार छूने को कही है तो बच्चा गया और दादाजी को छू के आ गया। अब माँ को अच्छा नहीं लगा, माँ ने कहा नहीं बेटा दादाजी ठीक से छू। अब वो बालक फिर गया, फिर छू के आ गया। माँ को फिर से क्रोध आ गया, तुझे शर्म नहीं आती दादाजी है, कितने बार बताऊं। अब उस बालक को भी गुस्सा आ गया, अब तो दौड़ा गया, दादाजी को धक्के दे के आ गया। लो माँ ने कहा अब छू लिया पूरा। ये प्रणाम है, अरे छूने का मतलब दंडवत प्रणाम कर लो। हर स्त्री को, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रातः काल जगकर अगर उसके घर में सास है तो सास को प्रणाम करे। भले आपको दंडवत प्रणाम नहीं आता तो चरण स्पर्श कर लो। खाली ये नहीं जोर से मुंह से बोल दिया गोड़ लागे छे और फलाना छे ढिकना छे, ये सब नहीं। और वहीं से दंडवत मस्तक रख के, हो सके तो मस्तक, सास कितनी भी कटिली हो बुरी नहीं बोलूंगा, बुरी तो होती नहीं है, बुरी क्यों बोलू, कितनी भी कटिली हो आप, बस ये मंत्र है, महामंत्र है, आप करके देखना, एक महीना करके देखना और फिर देखना उसका स्वभाव आपके प्रति। आप अपनी सास को प्रणाम करें, ससुर को प्रणाम करें और पति को भी करें, लेकिन सुष्टा सिस्टम थोड़ा उल्टा हो रहा है।
कथा थोड़ी लेट हो रही है, इसी के विषय पे बहुत बोलता है। आजकल तो पत्नी महारानी मानती नहीं, तो देख मान जा, मान जा, तू कैसे मानेगी, कैसे मानेगी, मान जा, कमरे में, कमरे में बंद कर। हमारे पर समय समय पर शिकायतें आती रहती हैं कि वो मान ही नहीं रहा था, तो मुझे फिर दूसरी युक्ति अपनानी पड़ी। मैंने कोई बात नहीं, मना लो भाई, तुम्हारी पत्नी है, जैसे मना पाओ वैसे मना लो। तो कहने का मात्र मेरा अभिप्राय है कि आप प्रणाम करिए, नहीं करते तो कीजिए, सास को, ससुर को, पति को, परमेश्वर को, गुरु को, अपने से जितने भी बड़े, प्रणाम कीजिए। आप देखना आपके घर का कलेश महीना दो महीना में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहते हैं सास बहुत ज्यादा बोलती है। अच्छा, सास बोलती तो आप नहीं बोलते, आप भी तो बहुत ज्यादा बोलते हो। चलो वो तो सास है, आप कितना बोलते हो? आपको तो शोभा नहीं देता, उसके पास तो अधिकार है। अच्छा, सास के पास कौन सा अधिकार है? बोलने का। कौन सा अधिकार है? बोलने का। बहू के पास में कौन सा है? सुनने का। सुनने का कौन सा? सुनने का। अब बहुओं को बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो सास के पास बोलने का, बहुओं के पास सुनने का अधिकार है। सास अपना काम करेगी, बहू अपना काम करेगी। बहू अपना काम करे, अपना काम करे, प्रणाम करे। सास कब तक बोलेगी? घंटा, दो घंटा, चार घंटा, चार दिन, पांच दिन, दस दिन। एक दिन वो कह देगी, यार मेरी बहू कितनी अच्छी है, सुबह सुबह जगकर प्रणाम करती है और कुछ भी नहीं बोलती मेरे से, मैं वैसे ही खाम खाम में बोले जाती हूँ। एक दिन परेशान होकर वो बोलना बंद कर देगी, बोलना ही बंद कर देगी। लेकिन होता क्या है, घर में कलह क्यों होती है? सास बोले एक, बहू बोले दो, तो होता है फिर कलेश। घर में शांति होनी चाहिए, सुमित होना चाहिए। श्री रामचरितमानस कहती है, जहां सुमित तहां संपत्ति आना, संपत्ति आती है, और जहां कुमित वहां विपत्ति निदाना, जहां कुमित वहां विपत्ति निदाना। जहां कुमित हो गया, जहां कलेश होगा, बात बात पे लाई झगड़ा मार पीट काट शोर शराबा, वहां विपत्ति का वास होता है, वहां विपत्तियों का निवास हो जाता है, उस स्थान से लक्ष्मी का हरण हो जाता है। अच्छा, लक्ष्मी जी ने श्री हरि का ही वरण क्यों किया? एक से एक खड़े थे वहां पे, राजा बलि भी थे, राजा बलि भी थे, उनके उनको क्यों नहीं वरण किया? लक्ष्मी जी ने वरण श्री हरि का इसलिए किया क्योंकि उनका मन बिल्कुल निर्मल और शांत है। लक्ष्मी को चाहिए शांति, शांति। फिर कहते हैं हमारे यहां कलेश होता है, अरे कराने वाले तुम, करने वाले तुम। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से दो चार गलियां छोड़ के कोई व्यक्ति आया और आपके यहाँ खूब लड़ाई झगड़ा करवाया हो, ऐसा तो नहीं होता ना किसी के यहाँ पे? अगर ऐसा होता तो बताओ, ऐसा किसी के यहाँ नहीं होता। हम करते खुद हैं, कराते खुद हैं, सब कुछ हम और आप ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। तो इन सब के ऊपर एक मूल मंत्र है, आप दंडवत प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, करिए। एक महीना करके दिखाइए जिनके यहाँ क्लेश होता है, और जिनके नहीं आता वो भी करें। बोला जिनके नहीं होता है वो, उनको करने से क्या लाभ? बोला जिनके यहाँ नहीं होता वो, अगर क्लेश होता है उससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए, कोई प्रेम से दो शब्द मीठे बोले, यही तो चाहिए। भगवान सवेरे सवेरे जगकर दंडवत प्रणाम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता तो भगवान चारों भाइयों के साथ बड़े हो गए। संक्षेप में सुना रहा हूं कि भगवान का आज प्रकट दिवस है। भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया।
कैकेयी मैया ने कहा दशरथ जी को, क्या कहा कि 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष, तापस देश विशेष उदासी।